मैंने एक जानकारी दी है कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, लकड़ा वाला, यूसुफ लकड़ा वाला। आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहां भी, आपको पता चलेगा उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था, लकड़ा वाला के जिसके जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए थे, वो सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था, 80 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई, क्यों छुपाया गया, नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? ये सवाल मेरा सिर्फ ईडी को नहीं है, ये सवाल ईओडब्ल्यू को भी है, मुंबई के कोई तो बचा रहा है। उससे एक एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है, अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है, अंडरवर्ल्ड दहशत और टेरर यहाँ निर्माण करना चाहता था ऐसे लोगों को पकड़कर। उनको पैसा कहाँ से आता है ये भी अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, और जल्दी और बड़े खुलासे होने वाले हैं। बीजेपी के कुछ नेता सगळे सोंगाडेचे दादा कोणके असते, त्यांना खूप सिनेमाचे विषय मिळाले असते। पांडू हवालदारच्या धर्तीवर भाजपा हवालदार त्याने टाकलं असतं, सोंगाडा नंबर 2 टाकले असते। एवढे सोंगाडे निर्माण झाले आहेत विरोधी पक्षामध्ये की प्रत्येक सोंगाड्यावर एक सिनेमा आला असता। देवेंद्र फडणवीस ने कल बोला है कि जो शिवसेना का हिंदुत्व है वो गधाधारी है, गधाधारी नहीं। अच्छा, हम जो गधे थे उनसे हमने दूरी कर ली।